नमस्कार, मैं सुकृति रॉय आप सभी का स्वागत करती हूं। बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान को ब्लैक बक मामले में 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। सेलिब्रिटी से लेकर देश के घर घर में सल्लू भाई के लिए दुआएं की जा रही हैं। 50 साल से ज्यादा उम्र के सलमान न सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हैंडसम हंक हैं, बल्कि देश में मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स में से एक हैं। ऐसे में देश विदेश में मौजूद उनके करोड़ों फैंस उनकी फिटनेस और बेहतरीन बॉडी का राज जानना चाहते होंगे। तो आइए हम आपको बताएंगे कि कैसे सलमान ने अपनी बढ़ती उम्र पर काबू पा लिया है और आज भी अपने से उम्र में छोटे एक्टर से जवान दिखते हैं। लेकिन इससे पहले हम उनके डाइट चार्ट का खुलासा करें, हम बात करेंगे सलमान खान के पसंदीदा खाने की। जी हाँ, सलमान को अपनी माँ सलमा खान के हाथ की बनी पीली दाल खाना बेहद पसंद है। एक इंटरव्यू में सल्लू मियां ने बताया था कि जब से उनकी माँ ने पीली दाल बनाना छोड़ दिया है, उन्होंने वो दाल भी खाना छोड़ दिया है। वैसे सलमान को नॉनवेज खाना बेहद पसंद है। उनके घर में एक शेफ हमेशा मौजूद होता है जो उन्हें उनकी पसंदीदा खाने की चीजें बना कर देता है। फिट रहने के शौकीन सलमान का कहना है कि उनकी बॉडी थोड़ी लापरवाही से ही मोटी हो जाती है। ऐसे में फैंस को खुश रखने और अपनी अच्छी सेहत के लिए सलमान स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं। उन्हें भारतीय व्यंजन और इटालियन खाना बेहद पसंद है, खासकर पाव भाजी, आइसक्रीम और पिज्जा। लेकिन उनके डाइटिशियन ने उनके डाइट चार्ट से इन सभी चीजों को हटा दिया है। वो ब्रेकफास्ट में लो फैट दूध के साथ 4 अंडे का सिर्फ सफेद वाला हिस्सा खाते हैं। वहीं वर्कआउट से पहले वो 2 अंडे का सिर्फ सफेद वाला हिस्सा खाते हैं और अमीनो एसिड टैबलेट और प्रोटीन शेक पीते हैं। वही बात की जाए वर्कआउट के बाद तो वो बादाम, ओट्स, 3 अंडे का सिर्फ सफेद वाला हिस्सा, प्रोटीन बार खाना पसंद करते हैं। लंच के वक्त सलमान सलाद के साथ सब्जियां और 5 रोटी खाते हैं। वही शाम के नाश्ते की बात की जाए तो वो प्रोटीन बार, बादाम और दूसरे नट्स का भी सेवन करते हैं। रात के खाने में वो वेगन सूप, मछली या चिकन, 2 अंडे का सिर्फ सफेद वाला हिस्सा खाते हैं। तो इस तरह सलमान ने इस डाइट चार्ट को फॉलो कर अपना दबदबा बॉलीवुड और लाखों करोड़ों फैंस के दिल में बना रखी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।